इसराइल हमास के बीच लगभग पिछले एक महीने से चल रही जंग में हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने बीते दिनों गाजा पट्टी में रह रहे सैकड़ों फिलिस्तीनियों को चेतावनी जारी कर दी है। IDF ने कहा है कि उन्हें अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा की परवाह है, तो 3 घंटों के भीतर गाजा के दक्षिणी हिस्सों में चले जाएं। फिलिस्तीनी शनिवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सलाहुद्दीन सड़क का उपयोग कर सकते हैं। IDF नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे वो गाजा के लोगों से चले जाने के लिए दबाव बना रहा है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि IDF ने घायल और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ले जा रही एक एम्बुलेंस पर हमला किया है। वही IDF ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने हमास आतंकवादियों को ले जा रहे एक वाहन पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के मुताबिक शनिवार को उत्तरी गाजा में आश्रय गृह पर 2 गोले गिरे, जिसमें कई लोग मारे गए। हमास का मानना है कि इसराइल पर गाजा पट्टी की घेराबंदी खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। हमास ने कहा है कि वो गाजा पर इसराइल की 17 साल की नाकेबंदी को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 76% इसराइलियों ने कहा है कि नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके करीब 1 लाख प्रशिक्षित लड़ाके लड़ने के लिए तैयार है। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह ने दर्जनों बार इसराइली सेना पर हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 66 लड़ाके मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह युद्ध के एक दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को ही हमास इसराइल युद्ध में शामिल हो गया था।